कश्मीर के युवाओं ने आज पाकिस्तान और अलगाववादियों को कड़ा संदेश दिया है। आज रियासी में हुई सेना की भर्ती में घाटी के युवाओं का जोश देखने लायक था। कश्मीर के युवाओं ने सेना की भर्ती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेना में शामिल होने को अपना सपना कहा। ये तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से, जहां सेना भर्ती के आयोजन में भारी संख्या में युवा पहुंचे। पहले दिन युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। सेना में भर्ती के लिए रियासी जिले के साथ साथ पुंछ, राजौरी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के युवा शामिल हो रहे हैं। सेना के अधिकारी रोज अलग अलग जिलों से युवाओं को बुला रहे हैं। आप भी खुद देख सकते हैं, कैंडिडेट्स का जज्बा देखिए, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कितनी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं और ताकि उनको एक मौका मिले भारतीय सेना के साथ जुड़ने के लिए। बात रही पाकिस्तान की धमकी, तो हम धमकियों से डरते नहीं है, जैसे वो देंगे हम उससे डबल, उससे वो जवाब देना चाहेंगे। युवाओं में सेना की भर्ती को लेकर और सेना की वर्दी पहनने का जज्बा देखा जा रहा है। सेना में शामिल होने के लिए करीब 29,000 युवाओं ने नामांकन किया। नवंबर में भी डोडा जिले में सेना भर्ती का आयोजन किया जाएगा। और आज से भारतीय वायुसेना और मजबूत हो गई है। अचूक अटैक करने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर आज एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो गया है। अब हिंदुस्तान को आंख दिखाने से पहले दुश्मन देश को 10 बार सोचना पड़ेगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ की मौजूदगी में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना में शामिल कराया गया। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत और भी घातक हो जाएगी। वायुसेना में शामिल होने से पहले अपाचे हेलीकॉप्टर्स के सामने नारियल फोड़ा गया, पूजा की गई और पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फियर्स अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड, अलोंग विद द कैपेबिलिटी टू शूट, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेनी मिशंस, एस्कॉर्ट टू स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशंस। टुडे विद द इंडक्शन ऑफ द अपाचे 864E, द IAF हैज अपग्रेडेड इट्स इन्वेंटरी टू द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान की सरहद से तकरीबन 25 किलोमीटर और आतंकवादियों को पैदा करने और पालने वाले मदरसों और कैंप से 50 से 100 किलोमीटर दूर अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर की तैनाती वायुसेना की नई ताकत का ऐलान तो है ही, एक साफ संदेश भी है। ये बहुत खामोशी से बहुत घातक और बहुत अचूक हमला करता है, जिससे बच पाना नामुमकिन होता है। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, पठानकोट। अपाचे हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स में सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर माना जाता है। अपाचे करीब 16 फुट ऊंचा और 18 फुट चौड़ा है। इसे उड़ाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। पहला शख्स पायलट होता है, जबकि दूसरा शख्स हेलीकॉप्टर में लगे हथियारों को कंट्रोल करता है। दो इंजन वाले अपाचे हेलीकॉप्टर की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस हेलीकॉप्टर को आसानी से रडार भी नहीं पकड़ सकता। अपाचे जमीन, हवा, समंदर, हर युद्ध भूमि में सिकंदर माना जाता है। पठानकोट एयरबेस में 8 अपाचे की तैनाती से दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन की मुश्किलें बढ़ेंगी।